नमस्कार, यूनिवर्सल टेक्निकल क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। डेयरी टेक्नीशियन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की हम आज लेके आए हैं सीरीज़, जिसमें वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी टॉपिक से क्वेश्चन है इसके अंदर, बॉयलर वगैरह, होमोजिनाइजेशन, ये सभी टाइप के स्टरलाइजेशन, सभी से क्वेश्चन लेके आऊँ। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएँ। और इस PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो आज का आप सभी के लिए, सिंगल स्टेज होमोनाइजेशन क्या होता है, इसका यूज करते हैं इंक्रीज वेलोसिटी विस्कोसिटी ऑफ कंसीडरेबली, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है होमोजिनाइजेशन इंक्रीज द वाइटनिंग पावर ऑफ मिल्क, इसका यूज करते हैं लार्जर सरफेस एरिया ऑफ द फैट के कारण जो है वाइटनिंग पावर ऑफ मिल्क में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर इन मिल्क दैट इज रिमूव बाय ए क्लैरिफायर। क्लैरिफायर जो होता है, ये सोमेटिक सेल जो है कोशिकाओं को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। वो इन्वेंटेड द कंटिन्यूस सेंट्रीफ्यूगल क्रीम सेपरेटर। क्रीम सेपरेटर जो है सेंट्रीफ्यूगल टाइप जो है अपकेंद्रीय प्रकार का, सबसे पहले किसने खोजा था, गुस्ताव डी लावल, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो इज क्रिएटेड विद द ऑब्टेंड ऑफ द फर्स्ट पेटेंट कंसंट्रेटेड मिल्क। कंसंट्रेटेड मिल्क का जो फर्स्ट पेटेंट था वो किसने अपने नाम करवाया था, गेल बॉयडन ने, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप दे, विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप्स ऑफ द कंटेनर हेल्प टू प्रिवेंट ऑफ फ्लेवर डेवलपमेंट एंड विटामिन लॉस इन मिल्क। इसका आंसर हो जाएगा ऑल द अबव, पेपर, कार्टून, पिगमेंट, प्लास्टिक जग्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइटेनियम डाइऑक्साइड टू एडेड टू नॉन फैट मिल्क टू वाइटनिंग ऑफ द मिल्क, ये ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द सॉइल नॉट फैट प्रोटीन ऑफ मिल्क। इसका सही आंसर हो जाएगा बटरफैट। द सेंट्रीफ्यूगल प्रोसीजर यूज फॉर रिमूविंग बैक्टीरियल फ्रॉम मिल्क, उसको क्या कहते हैं, कॉल्ड बैक्टोफ्यूगेशन। इसका सही आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, 10 मिनट्स रिसेजुरिन टेस्ट प्रोवाइडेड ए रैपिड मेजर ऑफ द सैनिटरी कंडीशन एंड कीपिंग क्वालिटी ऑफ मिल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, इन द BMR टेस्ट द सैंपल विच कंप्लीट डिस्कलरेशन ऑफ ब्लू कलर ऑन इंक्यूबेशन फॉर 30 मिनट और लेस अकर्स इज नॉट एक्सेप्टेबल, इस टेस्ट को नहीं माने, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपके लिए, ब्रोमोथाइमोल ब्लू टेस्ट इज कैरिड आउट टू डिटेक्ट मास्टिटिस इन मिल्क। मिल्क के अंदर जो है मास्टिटिस को ज्ञात करने के लिए ब्रोमोथाइमोल टेस्ट, ब्लू टेस्ट का यूज किया जाता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, हेंसा टेस्ट वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है काओ मिल्क इन बफेलो मिल्क मिला देते हैं, तो उसके लिए जो है यूज किया जाता है हेंसा टेस्ट पता लगाने के लिए। फॉर्मेलिन इज परसेंटेज सोल्यूशन इज फॉर्मेल्डिहाइड जो है उसमें फॉर्मेलिन होती है 40%, ये पूछा गया इसमें सोल्यूशन के अंदर। व्हाट इज द एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन कैपेसिटी ऑफ लाइम, इसका सही आंसर हो जाएगा 80%। द इफेक्ट ऑफ माइनर चेंज इन साल्ट बैलेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा बोथ, प्रिसिपिटेशन ऑफ केसिन और लोअर सोल्युबिलिटी। व्हाट इज द कॉज ऑफ लोअरिंग द हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क, डिस्टर्ब साल्ट बैलेंस, ये ध्यान रखना है। हायर अमाउंट ऑफ टोटल सॉलिड्स इन मिल्क विल रिजल्ट इन लोअर्ड हीट स्टेबिलिटी, को बताएगा ये। हीट स्टेबिलिटी ऑफ मिल्क कैन बी इंक्रीज बाय, हीट स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे हम, एडिशन ऑफ सम साल्ट्स, लवण को मिलाएंगे। हीट स्टेबिलिटी ऑफ द इवेपोरेटर मिल्क रेफर टू द रिलेटिव रेजिस्टेंस ऑफ मिल्क कोगुलेशन इन द स्टरलाइजर, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द रेशियो ऑफ साल्ट बैलेंस ऑफ द काउ एंड बफेलो मिल्क रिस्पेक्टिवली आर दी रिपोर्टेड एज द 0.37 एंड 0.39,
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, जो टेस्ट किए जाते हैं प्लेटफॉर्म टेस्ट, प्लेटफॉर्म टेस्ट जो है हीट स्टेबिलिटी के लिए क्या करते हैं, प्लेटफॉर्म टेस्ट में COB टेस्ट, कोट क्लोट ऑन बॉइलिंग टेस्ट किया जाता है, द सेटिस्फैक्ट्री टेम्परेचर ऑफ मिल्क रिसीविंग थ्रू टैंकर्स एट द टाइम ऑफ द रिसेप्शन इज 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है स्टोर किया जाता है, द टेस्ट डिटरमाइन द हाइजीन कंडीशन प्रीवैलिड इन द फार्म ड्यूरिंग द प्रोक्यूरमेंट ऑफ मिल्क इज सेडिमेंट टेस्ट, सेडिमेंट टेस्ट जो है यूज करते हैं। नेक्स्ट है द टेस्ट एम्प्लॉयड फॉर डिटेक्शन एंड अडल्ट्रेशन, अडल्ट्रेशन होता है अपमिश्रण ऑफ मिल्क विद वाटर, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं लैक्टोमीटर की रीडिंग से जो है हम पानी की मिलावट जो है उसका पता लगा सकते हैं। द टेस्ट ऑफ द डिटरमाइन द बैक्टीरियल लोड इन मिल्क, इसके लिए MBRT जो है यूज़ किया जाता है, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द प्रोडक्ट विच आर नोन इन दिस कंट्री फॉर पास्ट सो मैनी ईयर्स आर टर्म्स एज ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट, ट्रेडिशनल डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं जिसमें मावा खोवा ये जो अपने आते हैं चीज़ वगैरह ये सब इसमें रसगुल्ला वगैरह सब आ जाते हैं। द अगला क्वेश्चन है, इन ओल्डन डेज द सरप्लस मिल्क वाज कन्वर्टेड इनटू घी, द प्रतिशत परसेंटेज ऑफ मिल्क कन्वर्टेड इनटू वेस्टर्न टाइप ऑफ प्रोडक्ट इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज 5 से 6%, द एग्जाम्पल ऑफ हीट एंड एसिड कोगुलेशन मिल्क प्रोडक्ट इज पनीर, ये ध्यान रखना है कोगुलेटेड मिल्क प्रोडक्ट का जो यहाँ पे एग्जाम्पल है वो है पनीर, द एग्जाम्पल ऑफ फर्मेंटेड मिल्क जो किण्वित मिल्क होता है उसके प्रोडक्ट कौन से हैं, सारे हैं श्रीखंड मिश्ती दही और दही, द एग्जाम्पल ऑफ द खोवा बेस्ड स्वीट्स आर, इसका एग्जाम्पल कौन सा हो जाएगा, खोवे से कौन से स्वीट बनाए जाते हैं, गुलाब जामुन बर्फी कलाकंद सभी। नेक्स्ट है द एग्जाम्पल ऑफ द फ्रोजन मिल्क प्रोडक्ट आर, सभी हैं इसके कुल्फी मलाई का बर्फ ब्रेफ मिल्क आइस ये सारे, द एग्जाम्पल ऑफ फैट रिच डेयरी प्रोडक्ट इज घी, ये ध्यान रखना है, द मिनिमम मिल्क फैट कंटेंट ऑफ खोवा ऑन डेयरी मैटर्स बेसिस एज पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011 शैल बी 30%, खोआ के अंदर जो है ड्राई मेटर जो है ये रहना चाहिए, द मिनिमम टोटल सॉलिड्स कंटेंट द धाप वैरायटी ऑफ खोआ, ये धाप जो है ये वैरायटी है खोआ की, BIS के अनुसार इसमें 55% जो है मिनिमम टोटल सॉलिड होने चाहिए, ये बात ध्यान रखनी है, द कॉलीफॉर्म काउंट ऑफ खोवा एज पर BIS स्टैंडर्ड शुड नॉट एक्सीड 90 प्रति ग्राम, मैक्सिमम यीस्ट एंड मोल्ड काउंट परमिटेड इन खोवा एज पर BIS जो है ये होता है 50 प्रति ग्राम, द वैरायटी ऑफ खोवा यूज इन मैन्युफैक्चरिंग मिल्क केक एंड कलाकंद के लिए किस प्रकार के खोवे का यूज़ करते हैं, दानेदार खोवे का, ये बात ध्यान रखनी है, द यील्ड ऑफ खोवा डिपेंड ऑन द फ्लोइंग फैक्टर्स ऑल ऑफ दीज, यानी कि टाइप्स ऑफ मिल्क पे डिपेंड करेगा, क्वालिटी ऑफ मिल्क कैसी है, मॉइस्चर कंटेंट इन खोवा, खोवा में आर्द्रता कैसी थी, रेंसिडिटी इन खोवा डेवलप ड्यू टू, ये होती है फैट हाइड्रोलाइसिस बाय लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द ऑयली एंड ग्रेसी अपीयरेंस ऑफ बफेलो मिल्क खोवा इज ड्यू टू हायर फैट कंटेंट, के कारण जो है बफेलो मिल्क जो है उसके अंदर जो है ऑयली एंड ग्रेसी अपीयरेंस होती है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द वैरायटी ऑफ खोवा यूज प्रिपेयर गुलाब जामुन बनाने के लिए धाप खोवे की वैरायटी का यूज किया जाता है, द मॉइस्चर प्रतिशत परसेंटेज ऑफ गुलाब जामुन कितना होता है 25 से 35%, द शेल्फ लाइफ, शेल्फ लाइफ होता है उसका जीवन काल, द शेल्फ लाइफ ऑफ गुलाब जामुन एट दी
एम्बियंट टेम्परेचर इन शुगर सिरप इज़ 5 से 7 दिन तक जो हम रख सकते हैं। द शेल्फ लाइफ ऑफ गुलाब जामुन कैन बी एक्सटेंडेड बाई द होट फिलिंग इन पोलीस्टाइरिन कप्स एंड एडिंग पोटेशियम सॉर्बेट 0.1% मिलाया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, द परसेंटेज ऑफ शुगर सिर्फ यूज फॉर सोकिंग गुलाब जामुन बॉल्स इज 60%। द क्वालिटी ऑफ रबड़ी विल बी प्रीपेड इन द क्वालिटी ऑफ कॉटन क्रीम इज मोर, कोटेड क्रीम जो है वो ज़्यादा होती। द केमिकल कंपोजिशन ऑफ रबड़ी डिपेंड ऑन, रबड़ी के अंदर जो रासायनिक कंपोनेंट होते हैं घटक वो किस पे डिपेंड करेंगे, वो करते हैं सभी पे। डिग्री ऑफ कंसंट्रेशन क्या होगा उसका, इनिशियल क्वालिटी ऑफ मिल्क क्या है, क्वांटिटी ऑफ शुगर एडेड कितना है, ये ध्यान रखना है। द परसेंटेज ऑफ शुगर एडेड टू रबड़ी ऑन मिल्क बेसिस 5 से 6%, या द यील्ड ऑफ रबड़ी फ्रॉम बफेलो मिल्क इज 25 से 28%। द शेल्फ लाइफ ऑफ रबड़ी एट रूम टेम्परेचर 2 से 3 डेज। द टोटल प्रोडक्शन ऑफ बासुंदी इन अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर इज 25,000 टन प्रति एनुअल, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है शैना, शैना इज क्या होता है, एसिड कोकुलेटेड प्रोडक्ट होती है। एज पर FSSR 2011 शैना शैल बी है मिनिमम फैट ऑन ड्राई मैटर कितना होना चाहिए, 50%। वाइल मेकिंग शैना लैक्टोज गोज विद वे, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मिल्क इज मोर स्टेबल फॉर शैना के लिए, सबसे अच्छा मिल्क किसका है, काऊ का। आइडियल कोगुलेशन टेम्परेचर फॉर दी कोगुलेशन ड्यूरिंग शैना मेकिंग, शैना मेकिंग समय जो कोगुलेशन उसके लिए टेम्परेचर 80°C। हार्डनेस ऑफ शैना इज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद कैल्शियम कंटेंट, ये ध्यान रखना है कैल्शियम कंटेंट पे जो है इसकी हार्डनेस डिपेंड करेगी। उसके बाद द मैनेजमेंट ऑफ फंक्शन विज प्लांट ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट डायरेक्ट एंड कंट्रोल द मटेरियल सप्लाई एंड प्रोसेसिंग एक्टिविटी, ये पूछा गया आपके जो है प्लांट लेआउट जो है प्लांट मैनेजमेंट डेयरी मैनेजमेंट से क्वेश्चन है कि मैनेजमेंट के समय जो है प्लांट उसके लिए प्लान ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेट डायरेक्ट एंड कंट्रोल मटेरियल सप्लाई प्रोसेसिंग एक्टिविटी इन सभी को क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मैनेजमेंट। द चार्ट विज आर यूज इन डिटरमाइन द प्रोजेक्ट शेड्यूल आर गैंट चार्ट। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इज डेवलपिंग कंट्रीज इंक्लूड, इसके लिए ऑल द अबव। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के लिए आपकी प्लानिंग और शेड्यूल होना चाहिए, सप्लाई ऑफ स्पेयर पार्ट होने चाहिए, प्रॉपर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव होता है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ इक्विपमेंट, उपकरणों की दक्षता बढ़ाने के लिए जो है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस बहुत जरूरी है। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग द प्रोडक्ट कंटेंट सरफेस यूटेंसिल एंड इक्विपमेंट क्लीन एंड स्टरलाइल इज कॉल्ड, इसको कहते हैं सैनिटेशन। द एग्जाम्पल ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट यूज इज डिटर्जेंट के रूप में सबसे ज़्यादा यूज होता है क्वार्टरनरी अमोनियम कंपाउंड। द एजेंट विच आर यूज अलोंग विद द डिटर्जेंट टू रिएक्ट विद मेटेलिक आयन ऑफ द सोल्यूबल कंपाउंड आर चिलेटिंग एजेंट। उसके बाद नेक्स्ट है द कॉमन एसिड इज डेयरी इंडस्ट्री फॉर क्लीनिंग पर्पज, क्लीनिंग पर्पज के लिए कॉमन एसिड यूज करते हैं नाइट्रिंग एंड फॉस्फोरिक एसिड। द लेबोरेटरी अपेरेट्स शुड बी स्टरलाइज इन हॉट ड्राई एयर एट रूम टेम्परेचर 160°C 2 आवर के लिए।
2 घंटे के लिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है ड्राई एयर दी जाती है। वो द वेस्ट दैट कैन बी रिड्यूस और एलिमिनेटेड थ्रू मेंटेनेंस इज अवॉइडेबल वेस्ट। द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड वेस्ट इन बॉयलर वो होती है ऐश, ऐश होती है राख बॉयलर के अंदर सॉलिड वेस्ट के रूप में। 100 kg ऑफ वे कंटेंस अप्रोक्सीमेटली बायोकेमिकल ऑक्सीजन की कितनी डिमांड होगी, उसके लिए हमें 1.5 kg बायोकेमिकल ऑक्सीजन चाहिए 100 kg वे कंटेंस जो है बनाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है द लुब्रिकेशन शेड्यूल एंड रूटीन स्पेयर पार्ट्स प्रोग्राम आर इंक्लूडेड इन इंस्पेक्शन शेड्यूल के अंदर जो है लुब्रिकेशन शेड्यूल और रूटीन स्पेयर पार्ट्स का आपका जो है इसमें आता है। नेक्स्ट है द इंजीनियरिंग स्टोर शुड कंटेन कंज्यूमल आइटम लाइक सभी होने चाहिए, कंप्लीट कंपोनेंट होने चाहिए, इंजीनियरिंग एसेसरी इक्विपमेंट स्पेयर पार्ट्स जो है वो सब होना चाहिए। द लैक ऑफ लुब्रिकेशन सिस्टम रिजल्ट इन इक्विपमेंट ब्रेकडाउन। अगर लुब्रिकेशन की कमी आई तो क्या हो जाएगा, ब्रेकडाउन हो जाएगा। द लुब्रिकेशन सिस्टम यूज इन चैन कन्वेयर रोलर चैन डेयरी प्लांट के अंदर जो कन्वेयर्स होते हैं चैन रोलर उनके लिए इजेक्शन सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए विज ऑफ द फ्लोइंग पैकेजिंग मटेरियल हैव पुअर एबिलिटी, ये होती है पैकिंग के लिए जो मटेरियल यूज़ करते हैं पुअर एबिलिटी वाला वो है अपने पास पॉलीमाइड एंड पॉलिस्टर, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फ्लोइंग पैकेजिंग मटेरियल कैन रजिस्ट स्टरलाइजेशन एंड फ्रीजिंग, ऐसा कौन सा मटेरियल जो है इसको जो है स्टरलाइजेशन और फ्रीजिंग जो है उसके लिए प्रतिरोध प्रस्तुत नहीं करता, वो होती है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। विच ऑफ द फ्लोइंग पैकेजिंग मटेरियल कैन रजिस्ट स्टरलाइजेशन आउट कैन नॉट रजिस्ट फ्रीजिंग, ये स्टरलाइजेशन के लिए तो प्रतिरोध है और फ्रीजिंग के लिए नहीं करता, वो होते हैं ग्लास एंड पॉलीप्रोपोलिन जो है, ये ध्यान रखना है। इसके बाद जो है विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल शो बेटर बैरियर प्रॉपर्टी, वो होती है हाई डेंसिटी पॉली एथाइलिन जो है यूज़ की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए नेम ऑफ द मटेरियल विच वाज द फर्स्ट टू बी यूज एज स्ट्रेच फिल्म के रूप में, सबसे पहले यूज होने वाला था पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी। विच मटेरियल इज द मोस्ट वाइडली यूज एज स्ट्रेच फिल्म दिस डेज, इसके लिए लीनियर लो डेंसिटी पॉली एथिलीन। इसके बाद है व्हाट इज जी फैक्टर, जी फैक्टर क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ फोर्स रिक्वायर्ड टू क्रिएट ए डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए विच ऑफ द फ्लोइंग मटेरियल वाज फर्स्ट यूज एज स्ट्रेच बेस्ड कुशनिंग मटेरियल के रूप में, कॉर्न, कॉर्न जो मक्का होता है उसका यूज किया गया कुशनिंग के लिए। What are the main future of the stretch-based cushioning? इसका stretch-based cushioning जो है cushioning इसका future क्या थे, biodegradable होना चाहिए, no petrochemical foaming agent are added और easy to prepare, जल्दी उपयोग में इसको दोबारा हम use कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखनी। Next question आप सभी के लिए रिमूवल ऑफ डेंस फॉरियन मैटर डर्ट सेलुलर बैबरीज क्लैरिफिकेशन कहते हैं से, रिमूवल ऑफ फैट टू एडजस्ट द फैट कंटेंट टू डिजायर्ड लेवल, ये होता है स्टैंडर्ड डाइजेशन। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ 90% बैक्टीरिया सेल इन मिल्क बाय द सिंगल फेज थ्रो ए सेंट्रीफ्यूगल मशीन, इसको कहते हैं बैक्टोफ्यूगेशन, ये ध्यान रखना है 90% तक बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए सिंगल फेज जो है बैक्टोफिकेशन। नेक्स्ट है सॉलिड कंसंट्रेशन इज यूज फॉर रिकवरी ऑफ वे प्रोटीन सॉलिड ऑफ कोगुलेटेड मिल्क प्रोटीन्स, ये होता है ट्रू। नेक्स्ट हैवी फेज लिक्विड स्किम मिल्क इज डिस्चार्ज फ्रॉम द बॉयल वाया आउटर रिंग वेयर, ये भी आपके ट्रू हो जाएगा। इसके बाद है लाइट फेज क्रीम डिस्चार्ज वाया इनर वियर टू विच डिस्क
यूज़ क्लैरिफायर, क्लैरिफायर जो होता है उसके लिए जो डिस्क यूज़ करते हैं, इंक्रीज द एरिया अवेबल ऑफ द सेंडिमेंटेशन, इसके लिए होता है कॉनिकल शेप. व्हाट इज द एंगल ऑफ द इंक्लिनेशन ऑफ डिस्क विद हॉरिजॉन्टल, के साथ जो एंगल है वो 45 से 60 डिग्री. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द मशीन दैट स्पिन इन ऑर्डर टू सेपरेट द कंपोनेंट मेकिंग अप ए मिक्सर, इसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन. हाउ डज सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क, सेंट्रीफ्यूगेशन वर्क करता है बाय कीपिंग लार्ज पार्टिकल इन द सेंटर एंड स्मॉल ऑन द आउटसाइड, ये ध्यान रखना है सेंट्रीफ्यूगेशन का. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फ्लोइंग डिवाइस यूज ए बैक्टोफ्यूगेशन, बैक्टोफ्यूगेशन के लिए यूज करते हैं उसे कहते हैं डिकेंटर. उसके बाद आता है मेजर एप्लीकेशन ऑफ बैक्टोफ्यूगेशन इन इज इन विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेसिंग, उसे कहते हैं चीज प्रोसेसिंग में सबसे ज्यादा यूज की जाती है बैक्टोफ्यूगेशन. द अमाउंट ऑफ द बैक्टोफ्यूगेट फ्रॉम द टू फेज बैक्टोफ्यूज एज कंपेयर्ड वन फेज मोर, इसका सही आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट जो आपके होमोजिनाइजेशन टेम्परेचर अप्लाइड नॉर्मली 60 से 70 डिग्री, प्रीफर्ड होमोजिनाइजेशन प्रेशर, प्रेशर जो प्रीफर किया जाता है वो है 10 से 25 मेगापास्कल. होमोजिनाइजेशन ऑफ मिल्क इज डन रिड्यूस फैट ग्लोबुलर साइज, जो है ये होता है 1 माइक्रोन मीटर दिया गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्बुलेंस इन द फ्लो ऑफ द मिल्क इन बिटवीन प्लेट्स इज मेनली अचीव्ड बाय द कोरुगेशन इन प्लेट, इन प्लेट कोरुगेशन इन प्लेट, लीकेज ऑफ वन फ्लूड इन टू द अदर ड्यू टू फेलर ऑफ द गैस्केट इज प्रिवेंटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ वेंट इन गैस्केट. द फ्लो रेट मिल्क टू हॉट वाटर रेशियो इज यूजुअली 1:3, 1:3 होता है ये. नेक्स्ट है, कंपोनेंट दैट लिमिट द टेम्परेचर ऑफ एप्लीकेशन इन HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम जो पास्चुराइजेशन होती है उसके लिए लिमिट टेम्परेचर के लिए किसका, गैस्केट का. फ्लो डाइवर्जन वाल्व वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्लो डाइवर्जन वाल्व कहाँ यूज होता है, HTST पास्चुराइजेशन में किसके अंदर होता है, होल्डिंग सेक्शन के अंदर जो है यूज किया जाता है. नेक्स्ट है, फ्लो डाइवर्जन वाल्व जो है उसको पावर किससे मिलती है, न्यूमैटिक सप्लाई, न्यूमैटिक होती है हवा से चलने वाला. द मोस्ट कॉमन टेम्परेचर सेंसर इन हॉट मिल्क HTST पैस्चुराइजर इज RTD ऑफ PT 100, ये जो है सेंसर लगाया जाता है, कॉमन टेम्परेचर सेंसर जिसे हम कहते हैं पास्चुराइजेशन हॉट हाई टेम्परेचर और शॉर्ट टाइम वाले पास्चुराइजेशन. क्वायरी रिलेटेड टू प्रोसेस ऑफ ईवेपोरेशन, ईवेपोरेशन यानी कि रेफ्रिजरेशन सिस्टम के अंदर जो है इनमें से करेक्ट कौन सा नहीं है, इसका सही हो जाएगा ईवेपोरेशन अकर्स एट एनी टेम्परेचर. नेक्स्ट है, रेट ऑफ ईवेपोरेशन किस पे डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, रेट ऑफ ईवेपोरेशन इंक्रीज एज एक्सपोज सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड इंक्रीज होगा, तो ईवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगी. इसके बाद रेट ऑफ ईवेपोरेशन डिक्रीज, ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर इंक्रीज. नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, ईवेपोरेशन इन डेयरी इंडस्ट्री इज ए प्रिलिमिनरी स्टेप टू विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस, ये होता है ड्राइंग. ईवेपोरेशन इन डेयरी इंडस्ट्री इज डन अंडर वैक्यूम, वैक्यूम के अंदर ईवेपोरेशन जो है यूज की जाती है. विच ऑफ द फ्लोइंग ऑक्सिलरी आर नॉट यूज इन स्टीम जनरेटर इकोनोमाइजर, इकोनोमाइजर जो है स्टीम जनरेटर में सहायक उपकरण नहीं है, ये ध्यान रखना. ऑक्सिलरी होते हैं सहायक.
The formation of the scale boiler leads to decrease in efficiency of boiler. What is the pH value of water permissible? Boiler के अंदर जो पानी यूज किया जाता है उसकी pH value जो है slightly less than 7. Which device is used separate condensate from the steam without lettering? Steam escape. इसके लिए यूज करते हैं स्टीम ट्रैप. वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों स्टीम ट्रैप. देखिए जो अपने डेयरी उद्योग होता है उसके अंदर जो पाइपलाइन होती है स्टीम वाली, उसमें एक ढलान दी जाती है. ढलान देकर वहां पर जो है लगा स्टीम ट्रैप लगाया जाता है. स्टीम ट्रैप लगाया जाता है जो पानी होता है स्टीम पाइप के अंदर, वो पानी एक जगह इकट्ठा ना हो जिससे वाटर हैमरिंग नहीं होनी चाहिए. उसमें ढलान दी जाती है. जैसे जैसे आगे जाएगा तो ये स्टीम ट्रैप में इकट्ठा हो जाएगा. वहाँ से वाल्व खोल के जो है इस पानी को बाहर निकाल दिया जाता है वाटर हैमरिंग से बचने के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द नेचुरल ड्रॉट? इसका जो डिसएडवांटेज पूछा गया है, द अवेलेबल ड्रॉट डिक्रीज विद इंक्रीजिंग आउटसाइड एयर टेम्परेचर. The natural draught in the steam generator depend upon the both of the mention. The air condition outside the chimney, the temperature of exhaust gases, इस पर डिपेंड करेगा. Which material is used? Pipe which conduct waste. Waste pipe जो होते हैं डेयरी में जो है waste material के लिए, वो होते हैं सिरेमिक के use किए जाते हैं. ये बात ध्यान रखनी है. फायर पाइप जो है वो रेड कलर में, अमोनिया के जो पाइप होते हैं उनके ऊपर येलो कोटिंग की जाती है, और जो अपने होते हैं चील्ड पाइप, चील्ड वाटर पाइप जो हैं वो होते हैं ग्रीन कलर के अंदर. चील्ड वाटर पाइप जो है वो ग्रीन है, ये इनके कोड होते हैं, ध्यान रखना बच्चों. उसके बाद है विच ग्रेड ऑफ द स्टेनलेस स्टील इज नोन एज एसिड प्रूफ स्टील. ये है AISI. ये AISI होता है अमेरिकन आयरन एंड स्टील इंस्टीट्यूट जो है 316. विच ऑफ फ्लोइंग आर इंस्टॉल्ड इन ऑर्डर टू कलेक्ट प्रोडक्ट सैंपल हाइजीनिकली फॉर क्वालिटी एनालिसिस. ये होती है सैम्पलिंग डिवाइस. उसके बाद है विच अमंग द फ्लोइंग इज नॉट ए परमानेंट वेल्डिंग कनेक्शन सैम्पलिंग डिवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये थे बच्चों आज के जो क्वेश्चन आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट. इसके बाद हम आपके लिए लेके आएंगे नया वीडियो, और जिसको वीडियो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताएं. और इसी प्रकार से क्वेश्चन जो आपके लिए और लेके आऊँगा मैं, तब तक के लिए धन्यवाद.